फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बनने वाला एक नाश्ता लेके आई हूँ, पापड़ रोल। इस नाश्ते को आप जब भी मन करे आप 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बनाने में बहुत सिंपल रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आइए झटपट पापड़ रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये 2 दाल के पापड़ लिए हैं, ये हमने मैश किए हुए उबले आलू लिए हैं, अच्छे से हमने इसे मैश कर लिया है। इसमें अब हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर, फिर हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला, फिर हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं अमचूर पाउडर, फिर हम डाल देते हैं चाट मसाला, उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक। अदरक अगर आप खाना पसंद नहीं करते तो आप रहने भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें जरूर डालिए अदरक। और लास्ट में हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अपनी स्टफिंग जो है बिल्कुल बना के तैयार कर लेते हैं। स्पून की मदद से, हाथ की मदद से, जिस भी तरीके से आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए, अगर कोई आलू का पीस रह गया है तो उसे अच्छे से मैश करते हुए इस स्टफिंग को हम जो है तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है, इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक पापड़ लेंगे एक प्लेट पे और उसके ऊपर हम चारों तरफ एक पतली लेयर जो अपनी स्टफिंग की हमने तैयार की है बिल्कुल फैला लेंगे चारों तरफ अच्छी तरीके से। एकदम पतली पतली लेयर हमें फैलानी होती है, थोड़ी भी मोटी लेयर नहीं रखते। अगर आप स्पून से कर सके तो स्पून से कर लीजिए, नहीं तो अगर स्पून से अच्छे से नहीं फैल पा रही है, इसे मैं नहीं फैला पा रही थी तो हमने इसे हाथ की मदद से अच्छे से कर लिया है। अच्छी तरीके से हो जाती है, एकदम पतली पतली लेयर सेट हो जाती है इस तरीके से। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए एकदम पतली लेयर हमने इसे सेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी हो जाए तो हम इसे रोल बनाएंगे, मतलब इसे रोल करते जाएंगे बहुत हल्के हाथों से अच्छी तरीके से। इसे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हम इसे रोल करते जाते हैं इस तरीके से। और इसे हम आलू की मदद से हमने कोने में भी लगा रखे हैं, अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं ताकि अभी हम इन्हें जब डीप फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी खुल कर नहीं आए और हमारा ये पापड़ का नाश्ता बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। और इसे अभी हम साइड से रख देते हैं, 2 मिनट में अपने आप ही सेट होके बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और फिर हम इसके जो है पीसेस कट कर लेते हैं और इस तरीके से अपने छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, नॉर्मल साइज़ के इसके पीसेस कट करते हुए साइड से रखते जाते हैं इस तरीके से। ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसके पीसेस करके रखते जाते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरा पापड़ लेंगे और उसके ऊपर भी चारों तरफ अच्छे से पतली लेयर एकदम स्टफिंग की लगा लेते हैं हाथों की मदद से। इसे थोड़ा प्रेस कर लेते हैं और फिर इसका रोल बना लेते हैं, हल्के हाथों से इसे रोल करते हुए इसका रोल बना लेते हैं। ये हमने इसका रोल भी बना लिया है। अब इसको हम सीजर की मदद से, नाइफ की मदद से, किसी की भी मदद से आप इसको इस पीसेस में कट कर लीजिए। जैसे हमने इसे 3-4 पीसेस में कट किया, आप चाहें तो 2 पीसेस में भी कर सकते हैं या फिर और पीसेस में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे इसके 4 पीस बहुत सही रहते हैं हमें इसको मतलब कट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है बिल्कुल सही रहती है। फिर इस तरीके से हमने दोनों पापड़ के रोल बना लिए। हमने डीप फ्राई के लिए ऑयल गर्म करने रख दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसको डीप फ्राई के लिए डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से पलट पलट के हमें डीप फ्राई करना होता है। मीडियम गैस पे ही हम डीप फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी बन के आता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो ये आप स्नैक्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत झटपट भी बन जाता है, खाने में टेस्टी लगता है और उन्हें गर्म गर्म सर्व करेंगे तो खाने का अलग ही आनंद आ जाएगा। इसे आप सॉस, चटनी या फिर आप इसे नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और जिसे पापड़ खाना पसंद है उसे तो ये नाश्ता जरूर पसंद आएगा। इस तरीके से हम पलट पलट के ने एकदम अच्छी तरीके से, जब तक एक सेक नहीं जाए, हल्का सा इस पे ब्राउनिश कलर नहीं आ जाए, इन्हें हमें सेकना होता है।
जैसे ये देखिए हमारे ये हल्के सिक चले हैं, इसमें हल्का कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। इसे सभी को इसी तरीके से निकाल लेते हैं और हम जो हैं बाकी बचे अपने पापड़ के रोल इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा झटपट बनने वाला ये पापड़ का नाश्ता जो है बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। इसे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये पापड़ का नाश्ता कैसा लगा। फ्रेंड्स, कैसे लगे पापड़ रोल? पसंद आए हो तो हमें जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं आपको पापड़ रोल कैसे लगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।